होगी कई बार है ना पता क्या किसान बेरा ये तो है ना बर्गर खा खाकर पेट भर है जब किसान ना कोई है ना काटने वाला नहीं मिलता ना तो किसान है ना अपने आप गेमी लेकर चलूंगी देखे देख भाई देख वीडियो में दिखा दिया भाई यो डंडा देख किसे यार बताऊ एक बात और बताऊ मैं वाल्मीकि के घर में जन्म ले रखा सच्ची मई कह रही हूँ सच्ची मई अगर मेरे आसपास में मेरे कोई भी किसान मजदूर खड़े होंगे ना और पुलिस वाले भाग्य आएंगे अगर सीमा का कदम एक भी पीछा हट जाए ना भैया ना कति ना मेन को कति इस दुनिया में तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है एनडी हरियाणा पर आज जो है बड़ा किसानों ने ऐलान किया भाई आज जो शंभू बॉर्डर है उसको तोड़ करके आगे बढ़ेंगे और आज हमारे साथ एक नया चेहरा काफी दिनों बाद हमारे सामने मौजूद है और किसान आंदोलन को तो लेकर के ले बातचीत करेंगे क्योंकि सीमा के जो हर इंटरव्यू देखा आपने हर मुद्दे पर बोलती है तो किसान आंदोलन को लेकर इनकी क्या राय है जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो है कांटे बिछाए गए हैं सड़कों पर कील गाड़ी गई है जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं जिस तरह से क्या सोचते हैं सीमा जी आपने कुछ पता लगा जिससे किसान आंदोलन चल रहा है तेरह तारीख से जो सबसे पहले तो मेरे देशवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार और रही किसान और सरकार के बीच की बात देख रही है जनता सरकार में कितना दम है और किसान मजदूर में कितना दम है ये तो सबको पता चल रहा मतलब क्या आपकी बात थोड़ी आप घुमा फिरा हो ना मैं ये कहना चाह रही हूँ मैं घुमा फिरा का बात नहीं करती हूँ हम स्पेशल सीधे मुद्दे पाते हैं। हाँ। अब एक बात बताओ जब किसी राजा को ये जनता बनाती है क्या वो राजा इतना कमजोर हो जाता है उस जनता के उस जनता से डरता है अच्छा इसका मतलब डर गया मोदी जी छप्पन इंच का सीना तो हमारे किसान और मजदूरों का हु, वो देख जाकर देखो जो उन्होंने कारनामे रच रखे है सरकार ने इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी अरे सरकार भाई मेरे जिस तरह जब चुनाव आवाजी भी किसान खड़े हो जाएंगे भाई कुछ राजनीतिक पार्टी के भी जो लोग हैं क्या है जब अपने खुद में कमी होया करा ना हम दूसरे की बात नहीं करते जब हमारे खुद में कमी होया करा ना तो हमने कर देंगे गलती कर दा करा हम बड़ी सारी तो हमने ना पड़ोसी है ना मतलब थोड़ा सा भी नू देखेंगे ना तो हमने नू लागेगा हो ये तो मेरी तरफ है ना गलत नजर देख रहा है तो यही मोदी की बात हो रही है देखो मैं डायरेक्टली बोलती हूँ भाई मन ना मन में तो किसी

तो हम अच्छे, अच्छे, मतलब जो खाते हैं वो किसान है। एक बात बताओ जिसका ही अम खाम है, उसने भूल जा फिर तो हम कुत्ता बिल्ली हम तो अब सारे मोदी थोड़ा न हो गए सारे डानी अंबानी थोड़ा न हो गए सारे खट्टर थोड़ा न हो गए है अब जिसने एक लुगाई नहीं रखी वो तो देश न चला देगा के गलती मारता हो रही है पता क्या सब तक पहला गलती हम करा और फिर है ना बाद में ना पछताना भी हम नहीं पड़ा देश के लिए हमने घर परिवार सब छोड़ दिया तो मतलब इसका मतलब ये है कि वे रख नहीं सकते अपनी लुगाई को किसने छोड़ दी थी देश की खातर जो से है जिन्होंने नहीं, नहीं नहीं पत्रकार जी आप घुमा फिरा का बात आप करते हो कि छोड़ दी थी बताओ ना फिर मैं भी बताती हूँ किसने छोड़ दी थी मेरे लिए तो किसी ने भी नहीं है वो है शादी मोदी ने पहला छोड़ दी अंडे का ब्याह ही नहीं हो होया था ठीक है और और क्या था मोदी जी की शादी हुई नहीं ना खट्टर की हुई ना योगी की हुई मोदी की क्यों ना हुई वो उसकी बेबे लग गया थी वो जो सी उसका ब्याह ही थी कौन थी वो फिर उन्हें मतलब प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए हैं अपनी लेके जानी चाहिए थी ना तो मतलब जब है ही नहीं उनके पास में छोड़

ठीक है जब वो मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सके ना तो वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता मैं हूँ मैं मां हूँ मैं एक पत्नी हूँ जब मैं अपने आदमी के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती ना

तो भाई हम भी अपने बाप के बीज ने अभी तो यो खट्टर साहब ने एंट्री करने दे रहे वहाँ पे हरियाणा में तो अब ना? तो मोदी की तो दूर की बात है खट्टर खट्टर तो टोया तो भी नहीं पावा कई बार पता क्या है जब गादड़ की मौत आया करा ना गांव का नहीं जा करा नहीं।

कोई भी गलत शब्द नहीं बोला ना ही, मैं बोलूंगी ना ही हम इतने गलत है जो पुलिस प्रशासन है एक बात बताओ वो किसके बेटे हैं दानी अंबानी के हैं खट्टर के मोदी के हैं वो किसान मजदूर के बेटे है जो आज अपने लाठी बजा रहे हैं हकीकत है ये सच्ची मई कह रही हूँ वो हमारे हैं आज जो अपने बाप और माँ पर लाठी बजा रहे है ना वो किसान मजदूर का बेटा वहाँ एक भी ना कोई नेता का बेटा दिखा दो कोई एक भी सही बात है अच्छा फिर ये जो मोदी है ना मोदी पुलिस प्रशासन के हमारे देश के जवाना को बर्बाद करने पे तुल है ना ये इसकी अच्छी नीति नहीं है बिल्कुल अच्छी नीति नहीं है यो जो आप है ना ये किसान है अब किसान अपनी मांग मांग रहे है प्यार भी तो बैठकर भी तो बात हो सका प्यार बात। से बात बन नहीं रही ना बात एक बात एक बताओ हर अपने बेटे की इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती कुछ किसान भी, कुछ सरकार भी पिछली वीडियो में एक वीडियो बोल रखा मैंने मेरी कम ताम पांच सौ वीडियो आ लिया एक वीडियो में मैंने बोल रखा भाई एक कति है ना एक ही सीजन लगा दो खट्टर भी मोदी भी भाई मैं किसान तो बहुत दूर की बात रही किसान तो बहुत किसान तो उसने जितन नहीं देगा mm. मैं भी किसान की और मजदूर की बेटी हूं mm. मैं ना गेहूं मैं बोनी mm. गेहूं में पानी लगाना mm. फिर वो कटनी mm. फिर वो तूड़ा निकालना mm. फिर वो मशीन में ना जब धूप पड़ता है ना कड़ाके की धूप पड़ेगी ना और मैं तो औरत हूँ mm. मैं तो बिल्कुल कमजोर औरत हूँ मैं कह रही खट्टर मोदी ना एक ने लियाओ मेरे दोरा दोनों में था भाई अगर मेरे तो जीत गए ना भाई, भाई मैं माया दुनिया छोड़ दूंगी अच्छा अच्छा हाँ पर कति खुला चैलेंजा एक सीजन में गेहूं गेहूँ मो एक बार देख पहले गेहूँ बोवागे हाँ। मैं भी गेहूं बोऊंगी खार मारेंगे दवाई मारांगे उनमें तो कबाड़ निकाल लांगे उनके खेत में कबाड़ होगा वो निकालेंगे नाला खाली बनावांगे ठीक है फिर वो जब कटने के समय होगी कई बार है ना पता क्या किसान के बेरा ये तो है ना बर्गर चौमीन का पेट भरा जब किसान ना कोई है ना, काटने वाला नहीं मिलता ना तो किसान ना अपने आप आना काटा है। बदाम की हम खुआ खा, तो बड़ी आले बदम है ना तो वही तो कह रही हूँ मैं अगर खट्टर मर मोदी में इतना दम है ना चलो भैया मेरे गेला कमा कर खट्टर साहब ने चैलेंज कर दिया किसानी हरियाणा में आ करके दिखाए कौन आगे तो आगे तो

<laughs> देखो यार देख भाई देख वीडियो में दिखा दिया भाई यो डंडा देख किसे और बताऊं एक बात और बताऊं मने वाल्मीकि के अगर मैं जन्म ले रखा सच्ची मई कह रही हूँ, सच्ची मई अगर मेरे आसपास में मेरे कोई भी किसान मजदूर खड़े होंगे ना और पुलिस वाले भाग के आएंगे अगर सीमा का कदम एक भी पिच हट जाए ना भैया ना कतिया ना मेन को इस दुनिया में रहना बदल अच्छा, लाठी तो तो चार्ज कर रहे कोई मतलब थोड़ा ना अच्छा, गलत बात गलत तो गलत है चाहे इसमें कोई भी पूरा गुस्सा है आपके मेरे अंदर है ना इतना जो मोदी सरकार है ना यह नू नही बनाई थी अगर भाई मारे जूतर मारे पर बजाओगे कागज कार्रवाई न लेकर का देख लो कग बेटी न देख लो बेटी नंगी कर कर का मणिपुर में गए थे मुद्दा ये नहीं है फिर भी बात चलती आना याद आ मणिपुर में गए थे कोई है चलो अब मतलब पहुंचोगे हाँ, पहुंच पहुंच का मतलब किसान आंदोलन में दिया भाई देख पुलिस वाले भाग भाग का डंडे बजावे हमारे किसान मजदूर आप अगर सीमा का कदम एक पीछे हट गया ना भाई रहना छोड़ देंगे दुनिया में था। चलो फिर सिंह कितना जिसमें दम होगा ना भाई पुलिस की वर्दी में अगर ताकत है ना भाई सीमा कर डंडे मार मारकर दिखा दियो भाई तो अच्छा। वही डी हो तो भाई हम भी अपने बाप के भी डंडा बीच बाल्मीक समाज में जन्म ले रखा भाई पक्की बात है कति पक्की के कति दो सौ परसेंट किसानों के लिए लड़ोगे फिर बिल्कुल लड़ेंगे बिल्कुल लड़ेंगे बिल्कुल लड़ूंगी कति लड़ूंगी ठीक है चलो भाई किसान सीमा जो है मतलब खुल के सामने आई किसान आंदोलन को सपोर्ट करती हैं और किसान आंदोलन में सीमा जी की पूरी जबरदस्त एंट्री हो चुकी है आपका क्या कुछ कहना है मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में और किसान आंदोलन में सीमा की एंट्री होगी तब भी आपको वीडियो दिखाएंगे तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय भारत